हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, आज उसमें आगे चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर किस तरीके से हमारे नेसेसरी है और क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको 7 स्टेप्स मैंने बताए थे आपको। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्रीकल्चर टाइम जोन के आधार पर जो क्रॉप्स होता है, हमारे क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के मैंने जो 7 पॉइंट्स बताए थे उसको एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं। क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी कि फसल, जिसके बारे में मैंने कल आपको डेफिनेशन दिया था इसका कि प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन द फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटी देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स। अगर मैं वेराइटी की बात करूं तो क्रॉप्स बहुत प्रकार के होते हैं भाई, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, सीड्स वाले हैं, फ्रूट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं। बट अगर मैं टाइम जोन के आधार पर बात करूं कि टाइम जोन के आधार पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने हैं, तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स। अभी आपके स्टैंडर्ड पर टू टाइप्स, फ्यूचर में आपको हो सकता है 3 टाइप्स पढ़ने को मिले। अभी 2 टाइप्स के हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, और तीसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो क्या है, जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। अभी मैं बात करूंगा केवल 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में जिनको हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो क्या होता है रबी क्रॉप्स, इट्स रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल यानी कि नवंबर में इसे शो किया जाता है यानी बोया जाता है, और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कटाई की जाती है। तो अभी लेटेस्ट आप लोगों को पता चल रहा होगा इस समय किस चीज की कटाई चल रही है, खेतों से हम क्या काट के निकाल रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वीट यानी कि गेहूं, एग्जाम्पल गॉट इट। अभी गेहूं इस टाइम काट रहे हैं हम लोग, तो गेहूं जो कट रहा है अप्रैल महीना चल रहा है ना अप्रैल, ये नवंबर में बोया गया था और अप्रैल में कट रहा है, तो ये टाइम जोन पर रबी क्रॉप्स की बात करेंगे हम। क्लियर। अगला होता है खरीफ क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप अगर टाइम जोन पे बात करें तो ये होता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ये अप्रैल में जैसे बीतेगा वैसे ही जून में हमारे यहां धान की खेती होने लगेगी, तो उसको बोलेंगे दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर, ध्यान से देखिएगा, नवंबर टू अप्रैल, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, ये जो टाइम जोन है ये है रबी क्रॉप्स का, एग्जाम्पल वीट, और जो खरीफ है ये जून टू अक्टूबर, इट्स एग्जाम्पल पैडी यानी कि धान, बेस्ट एग्जाम्पल। और बीच का जो एक मंथ बचता है यानी कि मई के टाइम पे थोड़ी बहुत क्रॉप्स होते हैं, तिलहन दलहन ऐसी चीज है, ऑलरी कल्चर जो आती है बेस्ड, 2-3 महीने के क्रॉप्स होते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, इसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, जायद, जिसमें खरबूजा तरबूजा ये सारी चीजें हम बोते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर, हाँ, इस पिछले वीडियो में जब मैंने बनाया था कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो चीज होती है, अगर मैं बेसिकली क्लासिफाई करते जाऊं तो बहुत सारे पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, लेकिन मैंने प्रोडक्शन ऑफ फूड के आधार पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोला था, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्शन ऑफ फूड के आधार पर एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल एग्रीकल्चर की, तो इसमें हम ग्रेन्स की बारे में बात करते हैं, अनाज के बारे में बात करते हैं, और जिस तरीके से जैसे गेहूं की खेती हो गई, धान की खेती हो गई, सरसों की खेती हो गई, ये सारी चीजें, गन्ने की खेती हो गई। गेहूं की खेती जो होती है आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है मैं स्वामीनाथन जो थे, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में जो थे, उन्होंने गेहूं के लिए बताया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूं के लिए था, अनाज के लिए। वही येलो रिवॉल्यूशन जो होता है वो हमारे दाल के लिए होता है यानी पल्सेस के लिए होता है। अगर मैं बात कहूँ
ब्लू रिवोल्यूशन की, तो वो होता है पीसी कल्चर, यानी फिशरीज के लिए, पीसी कल्चर जो हम मछली पालन करते हैं उसके लिए होता है, और उसको पीसी कल्चर बोलते हैं, या बेसिकली एक्वा कल्चर। देख ध्यान सुनिएगा, एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर, एक्वा गार्ड से आपको ध्यान में आ रहा होगा, एक्वा मीन्स होता है वाटर, एक्वा यानी पानी में होने वाले जितने भी पैदावार है उनको बोलते हैं हम एक्वा कल्चर, चाहे वो फिशरीज हो या कोई भी एक्वा कल्चर में प्लांट्स आप कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स उसको बोलेंगे हम, हाइड्रोपोनिक्स, जैसे कि जेरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इस तरीके से प्लांट्स के भी क्लासिफिकेशन है, वो फ्यूचर में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। क्लियर? तो अलग अलग है, जैसे मुर्गी पालन है तो वहाँ भी हम फूड्स ही तो ग्रो करा रहे हैं, यानी कि जो मुर्गियाँ होती हैं या आपका लेयर्स या बॉयलर्स जो भी हैं अंडे देने वाले या जिसका हम मीट यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली फूड बेस्ड है, तो फूड के लिए कर लिया जाए तो इनको हमको पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल देते हैं। क्लियर? या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग हैं जो फ्यूचर में आपको ब्रॉड लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली अभी दो तीन चीजें जान लीजिए, अनाज के लिए एग्रीकल्चर, सब्जियों के लिए होता है ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर ओ एल ई आर आई सी यू एल टी यू आर ई, ओलेरिकल्चर मीन्स सब्जियों के लिए, यानी एडिबल फूड्स, यानी कि एडिबल वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स के लिए। क्लियर? वही हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर इज और फ्लोरिकल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की खेती होती है उनको बोलते हैं हम। फूलों की खेती क्यों करते हैं हम, फूलों की खेती करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फेस्टिवल पड़ते हैं जहाँ फूलों की भी जरूरत होती है, और फूलों से हमें बहुत सारे सेंट्स मिलते हैं बनाने के लिए, बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं उनके, प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग यूज हैं। क्लियर? तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना है बेसिकली कि व्हाट इज एग्रीकल्चर और ये किस तरीके से होता है। तो जो 7 स्टेप्स मैंने बताए थे अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एक सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, जिसमें मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है प्लाउइंग द फील्ड, प्लाउइंग द फील्ड। पहला पॉइंट जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्लाउइंग द फील्ड यानी खेतों को जोतना है, प्लाउ और टीलिंग दोनों का बेसिकली मतलब होता है कि इट्स यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल फॉर प्रॉपर एरिएशन यानी कि मिट्टी को ढीला कर देते हैं, खोद देते हैं, ताकि उसमें देखिए जो सॉयल होती है उसको भी एयर की जरूरत होती है, वो भी रेस्पिरेशन करती है, यानी कि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन होता है, तो वहां पर प्रॉपर एरिएशन के लिए जो होता है मिट्टी को लूज करना पड़ता है। लूज करते समय जब जैसे कि हमारे जो मिट्टी होती है वो लूज करते समय, जैसे हमने इसको हो का इस्तेमाल किया, HOE, हो मीन्स होता है हल, और या फिर कल्टीवेटर जो आज ट्रैक्टर में यूज किया जाता है उनका इस्तेमाल किया, तो उसमें क्रम्प बन जाते हैं, क्रम्प का मतलब होता है ढेला टाइप का मिट्टी हो जाता है, उसको फोड़ करके बराबर करना बोलते हैं लेबलिंग। क्लियर? तो लूजनिंग ऑफ द सॉइल करने के लिए करते हैं ताकि एरिएशन हो सके, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उनके अंदर जब प्रॉपर एरिएशन होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रॉपर ग्रो करेंगे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होता है जो अभी मैं एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर बताऊंगा, तो उसमें फिर मैं बताऊंगा किस लिए करते हैं, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेसिकली डिस्कशन। यहाँ पर जैसे कि केचुए होते हैं, केचुआ कहते हैं द फार्म द अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, यानी किसानों का मित्र होता है केचुआ। तो ये करता क्या है, मिट्टी को खा करके उसको ढीला करता है ताकि प्रॉपर एरिएशन हो जाए, तो इसी तरीके से हम जब खेतों को जुताई करते हैं तो वहां पर प्रॉपर एरिएशन होता है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म है या ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, ये सब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। क्लियर? इसलिए करते हैं। अब हो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि हो होता क्या है।
ये कुछ इस प्रकार का होता है, वो इसको बोलते हैं हैंडल, ग्रिप बीम एंड प्लेट। ये प्लेट जो होता है ये मिट्टी में धंसा होता है, इस हैंडल से हम इसको ऑपरेट करते हैं। और ये जो बीम होता है ये जैसे पहले बैलों से खेतों को जोता जाता था, तो बैलों के कंधे पर ये बीम रखा जाता था फंसा करके, और नीचे यहाँ पर इस हैंडल को पकड़ के किसान नीचे इसको दबाए रखता था। यहाँ से किसान जो होता था वो इस हैंडल को ऑपरेट करता था और इस पर पैर रख के इसको दबाया रहता था, और मिट्टी जैसे ही बैल आगे आगे चलते थे तो ये पीछे से मिट्टी को लूज करते जाते थे। क्लियर। बाद में ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब जो है, अब हमारे पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर एक मशीनरीज है जिसके पीछे कल्टीवेटर यानी हर लगा होता है। अगर मैं ट्रैक्टर का एक रफली डायग्राम बनाऊं तो आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी। ये ट्रैक्टर है, ये जो पीछे इसमें लगा होता है कल्टीवेटर, इसका नाम होता है कल्टीवेटर। ये मिट्टी को लूज करने का काम करता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसको पढ़ते जाइए। बच्चों, आपसे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स पर बेसिकली ध्यान दीजिएगा, और आपका यही होमवर्क भी है कि आप अपना नोट्स कंप्लीट करें, और नोट्स को कंप्लीट करके और मुझे आप दिखा सकते हैं। मैं आपको टाइम जोन सेंड कर दूंगा कि किस टाइम में किस कहां से कहां तक बजे, या फिर अपने मन से भी आप दिन भर में कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हो, और क्वेश्चन भेज सकते हैं आप, जिसका आंसर मैं अगले चैप्टर में आपको दे सकता हूं। जिस तरीके से मैंने आज आपको आंसर दिया, अगले वीडियो में फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो आप लोग बिना डरे बिना हिचके पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आ रही दोबारा देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं यहां तत्पर हूं। धन्यवाद।